जिला कांगड़ा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पंडित सुशील रतन का ज्वालामुखी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उससे पहले स्वतंत्रता सेनानी के पार्थिव देह के अंतिम दर्शनों के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग ज्वालामुखी पहुंचे। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने पार्थिव शरीर पर फूलमालाएं अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं ASP दिनेश कुमार ने DGP की तरफ से फूलमाला अर्पित की। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रमेश धवाला सहित विधायक पवन काजल, विधायक आशीष बुटेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित विभिन्न गणमान्य लोगों ने भी अंतिम संस्कार में भाग लिया तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी सांत्वना व्यक्त की। पार्थिव देह को बेटे मनोज रतन ने मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि पंडित सुशील रतन स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड तथा खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका देहांत गत दिवस PGI चंडीगढ़ में हुआ था। और स्वतंत्रता सेनानी रहे, इनके पुत्र जो है संजय रतन, वो भी हमारी पार्टी के सदस्य थे। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिवंगत आत्मा शांति की प्रार्थना करता हूँ और भगवान से निवेदन करता हूँ कि परिवार को जो है इस असीम शक्ति को, सैन्य की क्षमता दी। मैं आज पार्टी की तरफ से जो है यहाँ आया हूँ और शोक परिवार से मिलकर मैंने उनको संभावना दी।